संपूर्ण राजस्थान के विकास हेतु, सर्वांग राजस्थान के विकास हेतु प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा और अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उन्नत राजस्थान का एक लक्ष्य ध्येय रखते हुए आपने सब वर्ग का ध्यान रखते हुए आज बजट जो पेश हुआ है। पिछली सरकारों में घोषणाएं होती थी और घोटाले होते थे और राजस्थान पे कर्जा होता था। इस बार आप देखें कि बजट पेश हुआ, सर्वांग विकास हुआ, पिछले जितने अनगिनत टैक्स थे उनमें कितनी कमी ला दी गई है, हर वर्ग के लिए विशेष लाभकारी योजनाएं हैं। उसके साथ साथ एक विशेषता और देखी कि इस बार राजस्थान प्लस में कैसे आएगा, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएगा, वो भी एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए मैं पूरे राजस्थान की ओर से राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने सर्वांग विकास हेतु, विकसित राजस्थान हेतु और हरियालो राजस्थान का भी लक्ष्य रखते हेतु आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में ला दिया और भारत भी आज पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना, उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान भी अब अग्रणी पंक्ति में होगा। आज उस कार्य को यहाँ बजट के रूप में निर्धारित हो गया। देखिए, मैंने सर्वप्रथम ये मांग की थी, पत्र दिया था, पिछले दिनों आपने पत्र पत्रिकाओं माध्यम सोशल मीडिया में देखा होगा। मैंने सर्वप्रथम, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो मैंने ये शुरू से मांग रखी आते के साथ कि हमारे संपूर्ण राजस्थान के अध्यात्म केंद्रों को विकसित किया जाए, पर्यटन से भी जोड़ा जाए, यहाँ से यहाँ रेवेन्यू भी जनरेट हो पाएगा और यहाँ का विकास भी हो पाएगा और पूरी दुनिया का पर्यटन, अध्यात्म पर्यटन यहाँ राजस्थान देखने, दर्शन करने, घूमने आएगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा। उसी क्रम में मैंने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री महोदय को, सचिव महोदय के द्वारा और स्वयं को दो पत्र दिए थे कि हमारे खाटू श्याम जी के लिए विशेष पैकेज लाया जाए, पूरी दुनिया आती है यहाँ दर्शन के लिए, खाटू श्याम जी को विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। तो आप, मैं धन्यवाद उसका विशेष दूंगा कि इस बात को स्वीकार, और सबकी मांग थी और वो ऐतिहासिक 100 करोड़ का काम और विकास का काम, रोजगार का काम और हमारे तीर्थ स्थल को, धाम को डेवलप करने का काम इस माध्यम से हो पाएगा।